है कि फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स, इनको अगर समझ पाएंगे तो हम सही आंसर भी कर पाएंगे। तो फोनीम्स हम देखते हैं कि फोनीम्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स एंड दीज साउंड्स आर मीनिंगलेस। ये समझना बहुत जरूरी है। हम जो भी इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप देख रहे हो, उसमें कुछ साउंड्स होते हैं, साउंड्स मिलके वर्ड्स बनते हैं। साउंड्स जब अरेंज होता है वो वर्ड्स बनते हैं, तब उसका मीनिंग होता है। बट सिंगल जो इंडिविजुअल साउंड्स है उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है ना, वो मीनिंगलेस होते हैं। तो इनको फोनीम्स कहते हैं, विच आर स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप देखो अग्निका, इसमें कैट आपको दिख रहा है ना। कैट एक वर्ड है जो मीनिंगफुल है, विच इज अ एनिमल। बट कैट में तीन फोनीम्स आप देख पा रहे हो, है ना। अब जी CAT, कैट, कैट तो कुछ लेटर्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन ये जो सी लेटर है उसको जब हम एज अ साउंड रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्लैंट लाइंस में के, ये क साउंड होता है ना, वो क साउंड है, क ए और ट। ये तीनों साउंड्स मिलके कैट बनता है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनके ऐसे अलग अलग साउंड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान दोगे को कोई भी वर्ड्स है, हैट, मैट, हाउस, फ्लावर्स, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनके हर एक के साउंड्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल साउंड्स है वर्ड्स के उनको हम फोनीम्स कहते हैं, इनके कोई मीनिंग नहीं होता है। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो एंड कैट में जैसे जी अगर हम जो आप बोल रहे हो कि क है वो क एक फोनीम है, क्या यस, मैं सही समझ रही हूँ? दैट इज अ फोनीम, बिकॉज कैट एक वर्ड है, उसमें से एक यूनिट है साउंड्स का, एक यूनिट है विच इज क, है और ना। तो क क का कोई मीनिंग नहीं है, क का का कोई कोई मीनिंग नहीं कोई है। मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, तो वो फोनीम हो गया। जी यस, एंड उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लेटर्स होते हैं, तो ये फोनीम्स है। अब देखते हैं कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं। मॉर्फीम्स है, मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड। अब ये कैसे होता है अभी का कि कोई भी वर्ड है उसको हम उसके उस वो एक होल वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि कैट एक होल वर्ड है ना। अब ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल एक होल वर्ड है ना। ऐसे बहुत सारे सनफ्लावर, ऐसे जो वर्ड्स है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि आपको दिख रहा होगा ये वर्ड फुटबॉल, तो जी आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो कि फुटबॉल जो है उसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करके ये कितने वर्ड्स बनेंगे, तो ये आप सोच सकते हो। तो यही पे ये मॉर्फिम का कॉन्सेप्ट है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स बनेंगे और वो मीनिंगफुल होना चाहिए कोई भी वर्ड में, वो मीनिंगफुल वर्ड्स को हम मॉर्फिम्स कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। हम थोड़ा देखते हैं कि फुटबॉल के जो इसको जो अगर हम ब्रेक करें तो कितने वर्ड्स बनेंगे, हमारे साथी शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अग्निका, आप कितने वर्ड्स बना पा रहे हो इसमें से? से दो वर्ड्स बना सकते हैं, फुट और बॉल। तो मैं भी छात्र अध्यापकों के साथ ही जाना चाहूंगी और मैं भी अपना जवाब जी यही रखना चाहूंगी कि इससे दो शब्द बना सकते हैं। फुटबॉल से दो अलग अलग हम शब्द बना सकते हैं, फुट और बॉल। यस, यहाँ पे फुट और बॉल दो वर्ड्स इसमें से बन सकता है। इफ वी ब्रेक दिस वर्ड फुट और बॉल, सो दीज आर मॉर्फीम्स। की एक जो टोटल फुटबॉल एक वर्ड है उसको हम ब्रेक करके दो स्मॉलर यूनिट्स में बांटे। अब देखिए कि फुट और बॉल दोनों के ही मीनिंग है, बोथ आर मीनिंगफुल। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। एंड डेफिनेटली कि देयर कैन बी वन सिंगल मॉर्फीम वर्ड एंड इट कैन बी मोर देन वन मॉर्फिम। ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे अवनिका की जिसमें चार पांच मॉर्फिम्स भी होते हैं। हमारे साथ ही ढूंढ के जरूर बाद में बता सकते हैं। बटर एंड फ्लाई, इसमें से मॉर्फिम्स दो वर्ड्स बन सकते हैं और दोनों मीनिंगफुल। यही ध्यान रखना जरूरी है मॉर्फिम्स में कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है दैट शुड बी मीनिंगफुल और तभी वो मॉर्फिम कहलाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स।